मेरे पीछे आप पगोडास देख रहे हैं, ये करीब 700 से करीब है और ये 1774 में बनाए गए थे। इसके अंदर एक मार्बल की स्लैब है, मार्बल की स्लैब के ऊपर क्या लिखा है कुछ नहीं पता, म्यांमार में लिखा है तो समझ में नहीं आता, लेकिन एक जगह इंग्लिश में लिखा हुआ पत्थर लगा हुआ है जिस पे लिखा है कि उखान ने ये 1774 में बनाए थे। हर पगोडास के अंदर एक मार्बल की स्लैब लगी हुई है पहले से ही, तो ये बहुत बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है जिसको आज तक मेंटेन करके रखा है। ये बुद्धा को प्रेजेंट्स करते हैं, तो चारों तरफ बुद्धा के मंदिर की तरफ ये पगोडास है और 700 से करीब है, 700 के करीब है, ये बहुत प्यारे लगते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वाइट कलर के जो पगोडास हैं, ये 700 से भी ज़्यादा बने हुए हैं। और ये जो बुद्ध जी का टेंपल है, इसके चारों तरफ ये जहाँ जहाँ आप घूमेंगे ये सब पगोडास बने हुए हैं। ये सब पता चलता है कि ये 700 से भी ज़्यादा है यहाँ पे। बहुत बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ के, शांति है बिल्कुल। आप कभी आओ तो देखना, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, आप भरे किसी भी धर्म से लिंक रखते हो लेकिन यहाँ आके आपका मन एकदम शांत हो जाता है। इनके अंदर जाने का रास्ता नहीं है, नहीं तो मैं अंदर जाकर दिखाता आपको। ये एक ऐसे लग रहा है एक जो पगोड़ा सा है किसी एक की याद में बना हुआ है। ये देखिए, ये इनके अंदर एक पत्थर है जिस पे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। अब ये म्यांमार में लिखा है तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या लिखा होगा, लेकिन ऐसे लगता है कि ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है। यहाँ से ये 700 से भी ज़्यादा पगोडास बनाए गए हैं।